सभी व्यूवर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, आप प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो आज प्रिपेयर किया है आपके लिए। आज आपकी बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, 5 तरीके बताने वाला हूं आप लोगों को, जिसमें से 5वां तरीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि मैं हिंदी में समझ जाता हूं पर एग्जाम में इंग्लिश में लिख नहीं पाता। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या करें, समझ में नहीं आता है। सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा क्लास में, हमें सारा समझ में आ गया, लेकिन समझ में किस में आया, हिंदी में समझ में आया, इंग्लिश में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीर है, बहुत ज्यादा पराक्रमी है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको आता तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसको एग्जाम में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इंग्लिश में लिखना है, लिख ही नहीं पा रहे हैं। जब लिख ही नहीं पाएंगे तो एग्जामिनर को सपना तो आएगा नहीं कि भैया तुमको आता है। अब वो दिल्ली से आएगा यहां पर देखने के लिए कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर तो वो वाइवा हो जाएगा ना, फिर वो रिटन एग्जाम तो रहेगा नहीं। भाई तुम्हारी कॉपी बोलती है वहां पर, तुम नहीं जाते हो बोलने के लिए, तो जो कॉपी में लिखा रहेगा वही एग्जामिनर जांचेगा। अगर वो सही है तो नंबर मिलेंगे और नहीं सही है तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आप वहां जाकर के बताएंगे नहीं कि मुझे ये वाला क्वेश्चन आता था, अब हमसे सर सुन लीजिए, ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। तो आपको अपनी इस कमी को दूर करना ही पड़ेगा। देखो बच्चा, समस्या से भागना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। समस्या को खत्म करने के लिए आपको समस्या को पहले पहचानना पड़ेगा, और जब आप पहचान जाएं तो आपको उसके समाधान भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ही समाधान करना है। और बीइंग अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी समस्याओं को सुनूं और अपने चैनल के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास करूं। इसीलिए आज मैं इस समस्या को खत्म करने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से। जो भी बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है और हर किसी के जीवन में आती है, क्योंकि हम लोग इंडिया के लोग हैं, हम लोग हिंदी भाषा को ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारे घर में वही भाषा बोली जाती है और हमारे पूरे इन्वायरमेंट में वही भाषा बोली जाती है। गाय हमारे लिए गाय है, वो कभी काऊ नहीं हो सकती, और कौआ हमारे लिए कौआ है, वो कभी क्रो नहीं हो सकता। ये हमारी नॉर्मल चीजें हैं। हिंदी भाषा तो हमने सीख ली क्योंकि वो हमारे घर में बोली जाती थी, हमने बचपन से अपने माता पिताजी को बोलते हुए सुना और हमने उसी भाषा को एक्वायर कर लिया। लेकिन इंग्लिश भाषा का क्या किया जाए भाई, हमारे देश में तो बोली जाती नहीं है, हमारे देश में खुद ही बाहर से आई है, अंग्रेज लेकर के आए थे इस भाषा को। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। तो अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इन्हीं को दूर करने के लिए आपको अभी से ही इंग्लिश बोलने की हैबिट डालनी पड़ेगी और इंग्लिश में लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी, कोई और चारा आपके पास नहीं है। तो आज आते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं इस प्रॉब्लम के। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका है इंग्लिश के आसान शब्दों को जाने और उनका इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो पहले आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। अगर आप आसान शब्दों से इस्तेमाल करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। बहुत कठिन चीज पहले ही उठा लेंगे तो समझ में आने वाली नहीं है, पहले ही डर के आप भाग जाएंगे। और भागना इस दुनिया में सबसे आसान काम होता है, ठीक है, तो भागिए मत, चीजों से लड़ना सीखिए। पहले आप थोड़ा आसान शब्दों को याद करना स्टार्ट करिए जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। जैसे हिंदी के शब्द होते हैं वैसे ही इंग्लिश के शब्द भी होते हैं, उससे आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जब वो शब्द आपको याद हो जाए तो आप उनको इस्तेमाल करना शुरू करिए। अरे गलती बोलेंगे ना, चार लोग हंसेंगे ही ना, स्टार्ट तो करिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा, तो उसको आज ही शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, बस शुरू कर दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा यार। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 क्या रहेगा,
इंग्लिश डिक्शनरी अपने पास रखें। आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो सकता है आपको कभी भी डाउट क्रिएट हो जाए, और जब डाउट क्रिएट होगा वर्ड की मीनिंग में तो आपके पास डिक्शनरी भी तो होनी चाहिए। वैसे आजकल स्मार्टफोन का जमाना है और हर वर्ड का अच्छा मीनिंग गूगल पर भी मिल जाता है। तो अगर आप डिक्शनरी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट भी अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। आपको किसी भी वर्ड के मीनिंग में डाउट हो रहा है, आप इंटरनेट खोलिए और उसका मीनिंग देख लीजिए और अपना याद कर लीजिए उसको, या तो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे आपका एक बढ़िया सा वोकैबुलरी क्रिएट हो जाएगी, वर्ड भी खूब सारे होंगे आपके दिमाग में, और जब आप लिखने बैठोगे तो बहुत ही अच्छा लिखोगे, एकदम धुआंधार, एकदम झकास, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा हमारा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मूवीज देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। ये सब आप तब करेंगे जब आपकी थोड़ी बहुत पकड़ बन जाए, वरना ऐसे पढ़ने बैठ जाओगे तो यार फिर वही काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। जब पल्ले तुम्हारे पढ़नी नहीं है तो फिर समझ में क्या आने वाला है, उठा के फेंक दोगे 2 मिनट के अंदर उसको, कह दोगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो सबसे अच्छा है आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, उनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़िए, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, आपको लिखने के तरीके पता चलेंगे। इसके बाद आप मूवी देख सकते हैं इंग्लिश की, लेकिन मूवी आप इंग्लिश की तभी देखिए जब आप उस मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन देख चुके हों, तभी आपको समझ में आएगी कि वहां पर क्या बातें हो रही हैं। ऐसा ना कहिएगा कि सीधे ही इंग्लिश में देखने चले गए मूवी। आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन की, कोई भी आपकी फेवरेट मूवी हो आप उसको देखिए, तब आप एनालिसिस कर पाएंगे कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो, तब आपके समझ में बातें आएंगी। बुक्स पढ़ने की बात करें तो सबसे अच्छी आपकी NCERT बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी रहती है, बहुत ही स्टैंडर्ड लिखी रहती है। थोड़ा सा बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छा भी रहेगा पढ़ने के लिए और आपका प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 क्या होगा हमारा, आंसर राइटिंग और अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। पहले डिसिप्लिन बताता हूं फिर बताता हूं आंसर राइटिंग क्या है। आप कोई भी चीज शुरू करते हो बहुत ज्यादा जोश में शुरू करते हो, एकदम जोश के साथ, इस बार तो एकदम पा ही जाएंगे, फिर क्या होता है कुछ दिनों बाद हमारा जोश ठंडा होने लग जाता है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना करके रखिए, कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसको पाइए जरूर और रेगुलर करिए। ये नहीं है कि आज मैंने कुछ करा तो कल मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं फिर मैं अब एक हफ्ते बाद करूंगा, ये नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बहुत लोग बहुत जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में परेशानी में फंस जाते हैं। आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है, आराम से चलिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आंसर राइटिंग क्या है, देखिए आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे हिंदी में सब समझ में आ गया है, मैं इंग्लिश में उसको क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैं घर जाकर के पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। भाई घर जाकर के किताब खोल के पढ़ना भी तो पड़ेगा आपको, आप उसको घर जाकर के पढ़िए, रिवाइज करिए, किताब उठाइए, टेक्स्ट को पढ़िए, और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करिए। जब आप कागज पर, अरे देख के ही उतारो यार, मैं कह रहा हूं देख के ही उतारो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटलीस्ट उतारो तो, लिखो तो उसको, जब लिखोगे धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी तो आपके आंसर भी लिखने चालू हो जाएंगे। इतना वहां पर ग्रामर का टेस्ट नहीं हो रहा है SST के पेपर में, अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख देते हो ग्रामेटिकली ऊपर नीचे, डजंट मैटर, आंसर होना चाहिए बस। थोड़ा सा बुक रीडिंग की हैबिट डालिए और थोड़ा एक दो आंसर घर में लिखा जरूर करिए, थोड़ा सा लिखेंगे तो आपकी हैबिट भी बनेगी और लिखने से आपका प्रिपेयर भी होता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट हमारा 5th स्टेप है, जो कि मैंने कहा भी था आप लोगों से महामंत्र है, आइए इसको समझ लेते हैं। 5th स्टेप, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सोशल स्टडीज को हिंदी में भी ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास CBSE बोर्ड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आती है SST तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, आपकी मातृभाषा है हिंदी, आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसको, आप हिंदी में पढ़ लीजिए SST को, कोई परेशानी नहीं है। CBSE बोर्ड में आप सभी के पास ये ऑप्शन है कि आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी सोशल साइंस पढ़ सकते हो, आप हिंदी में पढ़ लो अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो तो, और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदी में भी लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास ओपन है।
उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपकी मुश्किलों को थोड़ा सा आसान कर दूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसा यूजफुल कंटेंट आप लोग के लिए बनाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।